हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है मंडे और मैं रेडी हो चुकी हूँ। लगभग मेरा स्किन का जो रूटीन है वो करना बाकी है और अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज ब्रेड नहीं है, मैं कॉफ़ी सिर्फ एक बार पीती हूँ दिन की। कॉफ़ी, चाय वगैरह जो भी होती है, चाय तो मैं पीती ही नहीं हूँ और कॉफ़ी पीती हूँ सिर्फ, वो भी सुबह। बाकी दोपहर और शाम को ऐसे पीने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। और अभी ये कॉफ़ी वगैरह पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मैं कॉफ़ी की इतनी ज़्यादा, यानी कहते हो ना, शौकीन हूँ अलग अलग टाइप्स की जो कॉफ़ीज़ होती है ना, उनको टेस्ट करने के लिए। यानी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी लगती थी बीन्स की, डेविडॉफ की, और अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अभी मैं नेस्कैफ़े की पी रही हूँ। नेस्कैफ़े की भी अच्छी है और ब्रू भी अच्छी लगती है मुझे, बट सबसे अच्छी है बीन्स की। और बीन्स का भी मुझे फ़्लेवर वनीला ही अच्छा लगता है। वनीला फ़्लेवर में इतनी अच्छी लगती है बीन्स की कॉफ़ी। अब मैं ट्राई करूँगी ऑनलाइन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बीच में मुझे चाहिए थी, तब ऑनलाइन मिल नहीं रही थी इसलिए मैंने वो स्टॉप कर दी थी। जैसे कि कल बना था ठंडा खाना और खाया वो सारा पूरा दिन, और आज बनेगा फ्रेश खाना। जैसे कि वो दिन तो बीत गया है और मेरी तबीयत थी कुछ ख़राब इसलिए मैं एक दिन वीडियो नहीं बना पाई। मैंने एक दिन ऑफ रखा था, कल के दिन हमने ठंडा खाना खाया था, तब यानी बहुत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए मैंने व्लॉग किया ही नहीं। और आज व्लॉग स्टार्ट किया है तो आज भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, पर कोई बात नहीं। आपको भी साथ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको फिर छोड़ नहीं सकते ना अकेला। मेरे व्लॉग के बगैर आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, आपका रूटीन कहीं अधूरा अधूरा लगता होगा। सैलून पे जैसे कि आपको पता है दीमक आई थी तो ट्रीटमेंट कर रहा था, सारा बिखेरा हो रखा था, तो सफाई तो हो गई है पर जो सैलून को जमाना है वो तो मैं ही जमाऊँगी। तो इसलिए मुझे आज अभी कॉफ़ी वगैरह पी के जाना पड़ेगा। और क्लाइंट्स के कॉल्स आ गए क्योंकि कल ऑफ था और दो तीन दिन से अभी ऑफ ही जैसा चल रहा है, क्योंकि वो रांधन छठ थी। रांधन छठ के दिन मैं गई नहीं थी क्योंकि मुझे पूरा दिन खाना बनाना था इसलिए। और कल भी मैं नहीं गई थी, मेरी तबीयत भी ख़राब थी और त्यौहार के दिन जाने का नहीं होता है ना इसलिए। और मेरा हाथ इतना ज़्यादा काँप रहा है, मेरा ट्राइपॉड भी मेरे हाथ में रह नहीं रहा, ऐसे 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 हो रहा है, शेकी शेकी हो रहा है। तो ठीक अभी तक तो चलिए, अब चलते हैं शॉप पर और देखते हैं शॉप पर क्या हालत है। साफ़ सफाई वगैरह काफ़ी करनी है तो अभी चिकू को बुला दिया है, तो चले जाते हैं देख लेते हैं। ये आ गई हमारी सकोविया और हम चल रहे हैं शॉप पर। ये हैंडल निकाल के रखो यार, मैं आती हूँ। देख सकते हो सैलून की हालत क्या हो रही है। और मैंने 4 दिन पहले ही पूरे सैलून की सफाई करी थी तभी ये दीमक मिली थी मुझे, और अभी मेरे को वापस से रीअरेंज करना है सारा। तो ये सारा करती हूँ और आपको भी एक साथ में दिखाती हूँ कैसे मैं सेट कर रही हूँ मेरे सैलून को। तो जो जो सामान है ऊपर रखने का वो चिकू से रखवा देती हूँ क्योंकि इतने तक तो हाथ मेरा भी नहीं पहुँचेगा। और थोड़ी बहुत डस्टिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि मिट्टी थोड़ी बहुत उड़ी हुई है। कल हालत देखते तो आप क्या ही कहते, यानी मकड़ी बना देंगे। मकड़ी बना देंगे क्या? आप देख सकते हो सैलून मैंने कर दिया है पूरा क्लीन। सब जमा दिया है और अब मैं थक चुकी हूँ और अब जाना है घर पे। घर पे जाना है, खाना बनाना है, तो चलिए अब चलते हैं घर। चलो शॉप पर जैसे आई थी आपने देखा पूरी साफ़ सफाई की, और फिर थी एक स्मूथनिंग, 3-4 हेयर कट्स थे, 2-3 फेशियल थे। तो थक चुकी हूँ, अभी बज रही हैं 4:16, चली जाती हूँ घर पे। पेट वगैरह में दुख रहा है और तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, काफ़ी काम कर लिया, तो चलिए चलते हैं अब घर पे। कर देती हूँ अब क्लीनिंग, आप देख लो अब क्लीनिंग हो रही है सैलून की। चलिए साफ सफाई तो हो गई है, अब मिलते हैं घर पे जाकर आपसे। मैं
मस्त हो गया नहीं मौसम? मौसम शानदार हो गया है। लैला पेड़ को छूने आ रही थी पर हम नहीं छूने देंगे। मस्त हो गया, हवा चल रही है। क्या हवा चल रही है और मौसम हो गया है शानदार और हम आ गए हैं घर पे। और बस आई होप आज बारिश हो। ये चिकू भी मौसम का आनंद ले रहे और हम अब चलेंगे घर में कुछ खाएंगे। सुबह से खाना खाना बाकी है जैसे कि अभी बज गई है 5। रोटी चावल सब्जी दाल खाकरा और यह लेके बैठी हूँ अचार। बस खाना खा के आपसे मिलती हूँ। अभी आ रहे हैं गेस्ट घर पे इसलिए गेस्ट आने से पहले लगभग तैयारी करके रख दे इसलिए सब चीज़ें भरी जा रही हैं। गेस्ट वगैरह आए थे, गेस्ट फिर आपको जैसे कि बताया था सारी प्रिपरेशन कर रहे थे तो गेस्ट चले भी गए। और आज है मेरा व्रत तो मैं अभी खा रही हूँ कुछ फलाद, लगभग थोड़ा ही लेके बैठी थी क्योंकि मैंने एक बनाना खा लिया है इसलिए, और थोड़ी मुझे भूख थी क्योंकि मैंने 4:30-5 बजे तो खाया है आपके सामने। और आज चिकू स्पेशल टिफ़िन पैक करके लेके आए थे शॉप पर मैं खा नहीं पाई कारणवश, यानी बहुत ज़्यादा कस्टमर थे इसलिए। फिर घर आ गए, वही अनपैक किया फिर खाया। मेरे पति ने मेरी इतनी केयर की, भाई बेचारे बार बार कॉल करके बोल रहे थे खाना खा लेना खाना खा लेना खाना खा लेना, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो बस ये अभी थोड़ा सा कर रही हूँ फलार और तो क्या, आज पूरा दिन काफ़ी बिजी रहा। चलो एक काम सबसे अच्छा हो गया कि सैलून अच्छे से जम गया थोड़ा, यानी कहते हैं ना जोर लगा एनर्जी लगाई तो सारा कंप्लीट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया वापस से, क्योंकि इतना मैस हो गया था क्योंकि जो सेटी रखी हुई है साइड में जो बेड बना हुआ है उसका सारा सामान गया था स्टोर में, क्योंकि हमको ये डर था कि उसके नीचे नहीं आई हो दिमाग पर। वहाँ चेक किया तो हल्की सी आई हुई थी, ज़्यादा नहीं थी, पर देख लिया तो अच्छा हुआ, नहीं तो वो थोड़ी भी रह जाती तो इतना सब ट्रीटमेंट करवाने का कोई मतलब नहीं बनता। और पूरा ट्रीटमेंट करवा दिया है और जगह जगह पर सारी क्लीनिंग करनी थी वो भी कर दी, क्योंकि ड्रिल हुए थे इसलिए सारी मिट्टी उड़ी थी और मिट्टी कांच पे जम गई थी जैसे कि आपने सुबह देखा व्लॉग में कि सब क्लीनिंग कैसे हो रहा था। ये वो सारा काम कंप्लीट निपट गया और कल से मैं अच्छे से सैलून जा पाऊँगी। कल कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं होगा तो मैं कस्टमर्स का काम ले सकती हूँ। और चलो अब मैं मिलती हूँ कुछ देर में। अभी मैं जा रही हूँ किचन में और किचन में कुछ थोड़ा बहुत है वो क्लीनिंग करना बाकी है तो दिखा देती हूँ आपको। थोड़ी बहुत है क्लीनिंग कर देती हूँ और फिर रूम में जाके आपसे मिलूंगी। ओके तो अभी दे रही हूँ मैं चिकू को कैमरा क्योंकि चिकू करेंगे अभी से व्लॉग। और हाँ आज है मेरा फास्ट तो मैं सोच रही हूँ कि कल की पड़ी है रबड़ी तो रबड़ी खा लेती हूँ, तो जब मैं रबड़ी खाऊंगी तब मैं आपसे मिलती हूँ। अभी खा रही हूँ मैं एप्पल क्योंकि मुझे खानी थी रबड़ी पर मम्मी ने काट के दी एप्पल, क्योंकि मम्मी का भी व्रत है तो मम्मी खा रहे थे तो उन्होंने मेरे लिए भी ला के दी। 3-4 कुछ थी तो 2 फिनिश की है 2 है तो साथ साथ में चल रही है अच्छी है। अब एप्पल सही आ रही है, बताए बीच में अपन एप्पल ला रहे थे तब वो शुरू शुरू महंगी आ रही थी वो बढ़िया लग रही थी, फिर बीच में इतनी कचरा एप्पल आती होगी 300 रुपये किलो वो भी। अब एप्पल वापस से लाई जाएगी और सुबह ब्रेकफास्ट में ऐड की जाएगी क्योंकि अब एप्पल अच्छी आती होगी। जब खाने की इच्छा होती थी तब एप्पल बेकार आती थी, इसे खा ही नहीं पाते थे। पर सच में ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर आप आपके दिन की शुरुआत चाय कॉफ़ी से नहीं, पानी पीने के बाद अगर आपको कुछ भी खाना है तो आप कोई भी एक फ्रूट लीजिए, क्या शानदार आपका दिन जाएगा सच में, पेट बहुत अच्छा रहता है क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है इसलिए। इससे काफ़ी फ़ायदा है यार, मेरे को फ़ायदा याद नहीं है पर अच्छा रहता है मैं कह रही हूँ इसलिए, क्योंकि मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है इसलिए। अपन डायरेक्ट चाय कॉफ़ी पीते हैं ना वो एसिडिटी की वगैरह प्रॉब्लम करती है क्योंकि मुझे है फर्स्ट में, या फिर पानी पियो उठते मैं फुल, मैं तो सुबह उठ के मेरे को सुबह बहुत भूख लग जाती है, उठते में भूख लगती है मेरे को, मैं ब्रश करे भी कर फिर पानी वानी पीती नहीं हूँ। और आजकल तो मैंने क्या रूटीन बना लिया, मैं उठते फर्स्ट में वॉशरूम में घुसती हूँ नहाने के लिए, नहा लिया यानी कितना आधे से ऊपर काम हो गया मुझे लगता है, मैं फिर काम में जुट जाती हूँ ना तो मैं नहाना मेरा डिले हो जाता है और व्लॉग भी स्टार्ट नहीं हो पाता इस चक्कर में। सॉरी खाते खाते बात कर दूँ तो स्वाद भी अच्छा आ रहा है इसलिए। और अभी मैं जाऊँगी रबड़ी, मैंने कब से निकाल दी थी फ्रिज से बाहर, चलो लेके आते हैं वो रबड़ी फिर खाते हैं, रबड़ी लेने जा रहे हैं। पर मैं बैटरी चेंज कर देती हूँ। मेरे नाइट सूट सबको बहुत अच्छे लगे हैं, यानी लगभग मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं तो आके मुझे पूछते हैं कि कौन सी साइड से लिया है,
बताना पड़ता है। मैंने मेरी वीडियो में बताया, मैंने मेरे व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मैंने ये कहाँ से ख़रीदा था, तो आप जाके वो वाला व्लॉग चेक करो और उस पर आपको मिल जाएगा मैंने कहाँ से ख़रीदा था। रियली बहुत ही अच्छे निकले सारे नेट्स, मज़ेदार थे। और यहाँ पर है हमारी रबड़ी जो कि मैंने लाइफ में पहली बार बनाई थी और अच्छी बनी थी। बाय बाय, हमने ले लिया है हमारी रबड़ी। शिटम, थोड़ी सी रबड़ी गिर गई नीचे आपको दिखाने के चक्कर में। अब ये लेके जाएंगे रूम में और इसको करेंगे इंजॉय। अभी भी गिर जाती बेचारी, दो बार गिरती गिरती रही है। तो अब मैं खाती हूँ रबड़ी, और अभी तक यहाँ तक देख लिया हो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को कर दो प्रेस, क्योंकि मेरे रोज़ रोज़ आते हैं व्लॉग्स और तब आपको पता चलेगा ना कि मेरा व्लॉग आ गया है। और चलिए ठीक है, अब मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। बाय।